Bismillahir Rahman Rahim, Honorable Minister of Agriculture, Secretary, Population Welfare Department, the people from Ranoma, distinguished guests, Assalamu Alaikum. I am a layperson in front of you. I don't have any specific knowledge regarding population, nor I am a health specialist. लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं और जो बलूचिस्तान की ज़रूरियात हैं उस पर मैं थोड़ी बात कर लूँ आपसे. पॉपुलेशन पाकिस्तान में एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है. पिछले कई सालों से पॉपुलेशन ग्रोथ में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और हमारे मुल्क में तकरीबन कोई 22 करोड़ के करीब हमारी आबादी पहुंच गई है, जिसमें जो यूथ बल्ज है वो तकरीबन 50% से ज़्यादा है. उनकी ज़रूरत को कैटर फॉर करना, उनके लिए रिसोर्सेज का बंदोबस्त करना, उनकी जो है तालीम, सेहत, रोज़गार और बाकी जो नेसेसिटीज़ हैं हुकूमत के लिए और रियासत के लिए, उनको मीट करना बड़ा मुश्किल है. दूसरी तरफ जो पॉपुलेशन इट्सेल्फ, वो एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है हमारे माशरे में जिसको लोग जो हैं डिस्कस करना नहीं चाहते हैं थ्रू मैनी रीजंस, जिसमें जहालत भी है, हमारी रवायात भी हैं, मज़हब का फैक्टर भी आ जाता है और भी ऐसे अवामिल हैं. तो हम कोशिश करते हैं कि जी इसको डिस्कस ना करें, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम अपनी पॉपुलेशन को मैनेज नहीं करेंगे तो हम अपनी जो है मुल्क, सूबा, शहर, गांव, इनका जो है मुस्तकबिल संवार नहीं सकते, इनके लिए हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर सकते. तो वो ज़रूरी है कि हम उसको एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करें, गवर्नमेंट मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स ले, मुख्तलिफ वेलफेयर सेंटर्स बनाए और जो हमारे माशरे के हर फर्द, मेल और फीमेल, उनको भी पता होना चाहिए. और उस जो इंटरवेंशंस हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए और उनको भी जो है कैटर फॉर करना चाहिए, तब जाके हम अपना मुस्तकबिल जो है बेहतर कर सकते हैं. और ये हाई टाइम है कि हम आउट ऑफ द बॉक्स अब सोचना शुरू कर दें, हम जो हैं चीज़ों को डिस्कस करें, उनका हल ढूंढ लें, उनकी रेमेडीज़ ढूंढ लें, एक्शन प्लान्स बना लें और वो जो बैरियर्स हैं जिनकी वजह से हम अभी तक अटके हुए हैं उनको हम तोड़ दें. जहाँ रही गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की बात, तो इस दफ़ा जब हमें हुकूमत मिली तो हमारी कोशिश यही रही कि वो की सेक्टर्स जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिकेशन, इनके अलावा इनके साथ बल्कि उन तमाम सेक्टर्स को उनको इन्वेस्ट करें, उनको बेहतर करें, जिसमें एक पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है. और हमें इस चीज़ का अदराक है कि बलूचिस्तान की जो आबादी है उसको हम कंट्रोल में ले आएं, वो उनकी जो पॉपुलेशन, जो वेलफेयर है, उनकी जो ग्रोथ है, उसको भी हम जो हैं ठीक कर लें. तो उस हवाले से हमने तकरीबन इस दफ़ा
PSDP से 50 करोड़ रुपए रखे हैं, और एक और भी हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि फॉर द फर्स्ट टाइम पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट को हम जो है PPHI के साथ PPP मोड पे ले जा रहे हैं। अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग जो पॉपुलेशन वेलफेयर सेंटर्स हैं वो तकरीबन जो डिपार्टमेंट के पास हैं वो 191 हैं, और जो PPHI बेस्ड पॉपुलेशन सेंटर्स हैं वो तकरीबन कोई 600 करीब हैं। तो हमारी गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि हम उनको जो है उनको क्लब कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी बेहतर कर रहे हैं, और थ्रू पॉपुलेशन वेलफेयर सेंटर्स लोगों में जो है अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ हुकूमत का सिर्फ पॉपुलेशन वेलफेयर सेंटर का क़याम ही उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर वो NGO, प्राइवेट अदारा, इंटरनेशनल डोनर्स, उनके साथ मिलकर मास अवेयरनेस पैदा करना और जो दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको यहाँ पे हम अप्लाई करके अपनी पॉपुलेशन को की मैनेजमेंट कर सकेंगे और अपना मुस्तकबिल जो है संवार सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।